शुक्रवार को चंडीगढ़ नगर निगम की एक अहम बैठक बुलाई गई। सदन की विशेष बैठक में पेड पार्किंग कंपनियों को राहत देने के प्रस्ताव का पार्षदों ने विरोध किया, जिसके बाद इस प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला लिया गया। ये प्रस्ताव संशोधित होकर बैठक में लाया गया था। ठेका कंपनियों को जुलाई तक लगभग 2 करोड़ लाइसेंस फीस में छूट दी जानी थी। शहर भर में पार्किंग बेतरबी अव्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। हमने बिल्कुल उस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं दिया गया। एक सर सेक्टर 43 का चंद्रवती शुक्ला जी ने उठाया, उसको भी सहमति से पास किया, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की। उसका पिछले सदन की बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया था, जो 43 का कम्युनिटी सेंटर बना है उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई है। अभी बने उसको लगभग 2.5 साल ही हुए हैं, 3 साल, तो उसमें अभी उसकी छत गिरनी शुरू हो गई है, कुछ और चीज़ें की वहाँ पे खराबी है, तो उसकी इन्होंने बोला था कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आज मिनट पास कर दिए और हमने अप्रूव कर दिया कि हमारी जो विजिलेंस अपना डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन का, वो उसकी इंक्वायरी करेगा। एक सर कांग्रेस के पार्षद इस बैठक में काफ़ी नदारद रहे, वो हमेशा कहते हैं कि हमारी आवाज़ नहीं उठाई देनी चाहती है, बायकॉट भी करते हैं, आज वो दिखे नहीं उनके खास। अगर देवेंद्र बबला जी की बात करें, सतीश कैंत जी की बात करें, बबला जी थे शुरू में आए थे, बट मुझे लगता कोई काम हो गया होगा वो गए होंगे। अदरवाइज भी शहर के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने कभी, जब डेवलपमेंट के मुद्दे की बात आती है, या तो वो बायकॉट करते हैं या फिर वो उनका एक सुझाव होता है कॉरपोरेशन को ताला लगा दो। शहर की डेवलपमेंट के सुझाव देना, वो आज तक आप देख लीजिए पिछले 5 सालों में कितने दिए, आपके पास तो सारा रहता है, मगर आज मुझे नहीं पता कोई उनको काम होगा जिसकी वजह से वो चलेंगे। बाकी 2 काउंसलर अभी लास्ट में, शीला फूल सिंह जी और रविंदर कौर गुजराल अभी बैठे थी लास्ट तक। थैंक यू मेरे साहब, आज हाउस की बैठक थी, बैठक में कई एजेंडे आए। सबसे बड़ी बात है कि बैठक में एजेंडे भी पास हो गए और काफ़ी शॉर्ट टाइम में हुए, बड़ी जल्दी जल्दी निपटाए गए और काफ़ी अहम एजेंडों पे चर्चा भी हुई। उसके बाद कई एजेंडे जो जनता से जुड़े हुए थे उनको खारिज भी किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जो एजेंडे थे, जो लोगों के, हमारे किसी स्टाफ के वेलफेयर, शहर के लोगों की डेवलपमेंट के, सारे एजेंडे हमने पास किए और सदन ने एक मत होकर पास किए। एक दो एजेंडे जिनमें थोड़ी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कॉरपोरेशन का लॉस हो सकता है, किसी चीज़ का लॉस हो सकता है, उसको हमने वो एक रिजेक्ट भी करा और एक डेफर भी करा। तो ये बहुत वाइजली सारे काउंसलर ने, सब काउंसलर ने इसका डिसीजन लिया है। तो मैं सारे सदन को, सभी काउंसलर को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये बहुत जल्दी ये जो सदन की बैठक भी आज समाप्त करी। सर टोटल कितने एजेंडे थे और कौन से खास एजेंडे थे जो जनता से जुड़े हुए? देखिए, लगभग 22 के करीब टोटल एजेंडे थे और सारे, कोई एक तो हमारा गौशाला वगैरह का वो फोल्डर जो उनको ग्रीन और ड्राई देते हैं उसका था एक्सटेंशन का, और उसके अलावा हमारे जो हमने जो इम्प्लाई है, हमारे जो क्लास 4 इम्प्लाई है उनको हम सब लोगों ने जो प्रधानमंत्री योजना के तहत, बीमा योजना के तहत उनको एक्सीडेंटल और दूसरी जो उनकी लाइफ इंश्योरेंस, उसका बेनिफिट उन लोगों के लिए, ताकि वो गरीब लोगों के साथ कल को कोई हादसा होता है तो उनको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती, वो सारी चीज़ें जो है हमने वो काम करी है। सर जो इसमें जो कवर होंगे, ये सफाई कर्मचारी कवर होंगे और निगम के जो 4th क्लास एम्प्लॉई है वो कवर? जी, निगम के 4th क्लास एम्प्लॉई, डोर टू डोर कलेक्टर, ये सारे वो लोग इसमें कवर होंगे। टोटल कितने कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा? लगभग मुझे लगता है कि अगर हम डोर टू डोर कलेक्टर ला लें तो लगभग 4,500-5,000 के करीब जो टोटल एम्प्लॉई होंगे जिनको बेनिफिट होगा। सर पार्किंग ठेकेदार को छूट देने का एक एजेंडा आया था जिसको लेकर सभी ने विरोध किया, उसके बाद वो प्रस्ताव खारिज हो गया, क्या एजेंडा था और कितनी राहत दी? उसने एक रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी कि जो कोविड के पीरियड में जब लॉकडाउन था चंडीगढ़ में, अभी मई में जो था उस समय का, वो उस पीरियड का, कि मेरे को, हमारी पार्किंगें बंद थी, खोलने के परमिशन नहीं थी, तो हमें उसका वो जो है उसका वेव ऑफ किया जाए, तो वो सदन ने रिजेक्ट कर दिया और हमने बिल्कुल उस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं दिया गया। एक सर सेक्टर 43 का चंद्रवती शुक्ला जी ने उठाया, उसको भी सहमति से पास किया, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की। उसका पिछले सदन की बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया था, जो 43 का कम्युनिटी सेंटर बना है उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई है, अभी बने उसको लगभग 2.5 साल ही हुए हैं, 3 साल, तो उसमें अभी उसकी छत गिरनी शुरू हो गई है, कुछ और चीज़ें की वहाँ पे खराबी है, तो उसकी इन्होंने बोला था कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आज मिनट पास कर दिए और हमने अप्रूव कर दिया कि हमारी जो विजिलेंस अपना डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन का, वो उसकी इंक्वायरी करेगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।